आज की इस वीडियो में मैं फ्रैक्शन का वर्कशॉप कैलकुलेशन का फ्रैक्शन का पार्ट नंबर वन नई वाली किताब से लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने पुरानी वाली बुक से सारे पार्ट करा दिए हैं, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आज मैं नई वाली किताब से सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, जिसमें आपको मैं लॉन्ग मेथड से बताऊंगा। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, बट मैं यहाँ पे सारे मेथड डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है, तो यहाँ पे जो है मैं केवल क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और इस वाली बुक से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो प्लीज़ जो है आप इस वीडियो को या अब आने वाली जो भी वीडियो होंगी सब नई वाली बुक से होंगी, जिसमें आपको देख रहे हैं NCVT 2010 से लेकर 2017-18 तक के क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं वहीं क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इन सारे क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे करा दूँ, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके, और जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने फ्रैक्शन का बताया हुआ है, और हर एग्जाम में चाहे वो बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, हर जगह इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझेंगे तो आप जो है दूसरे चैप्टर्स को भी सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल है जो तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको जो है फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, लगभग यहाँ पे क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, लगभग 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जिसको मैं लॉन्ग मेथड और शॉर्ट दोनों से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताइए। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2003-2007 ऐसे आया हुआ है, अभी कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे 2019 में भी आए हुए हैं, 2018 में आए हुए हैं, 2017-18 तक। तो देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि इतना की भिन्न इतना होगी, तो आप अपने सोचें, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है। ठीक है ना, तो 3 जीरो वाले से डिवाइड हुआ है कि नहीं, बस ये देखें पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक है। तो यहाँ पे देखें जो डिवाइड हुआ है कितने अंक वाले से हुआ है, 3 जीरो वाले से हुआ है, मतलब ये सही है। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौके 16 + 1 यानी 17/4 आएगा। ठीक है, ठीक मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9 + 2, तो 9 × 2 = 11/3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ भाग बना हुआ है, भाग बना लीजिए, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 × 12 + 2 = 14/3। ठीक है, बस इसको अब सॉल्व कर लेना है। तो देखिए क्या करेंगे, 17/4 × −11/3, और यहाँ पे जो भाग है इसको जब गुणा बनाएंगे तो ये पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 3/14। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, अब इन दोनों का गुणा करना है बस सीधे। अब देखिए क्या करना है, 14 × 4 = 56, नीचे का नीचे गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा। तो 11 का इसमें गुणा करेंगे, तो मैंने बताया था 17 × 11 करना हो तो कैसे करेंगे, 1 7 लिखें, फिर इन दोनों को जोड़े, 7 1 8, फिर एक सिंगल ले लें, 187। और प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा कि जो आंसर दिया हुआ है ट्रू है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि इसको MM में देखिए लिखना है। ठीक है ना, तो 0.86 ये सेंटीमीटर है, उसको भाग करना है 0.02 MM से। तो देखिए सबसे पहले इसको MM में चेंज कर लीजिए। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप इसको MM में चेंज करेंगे तो MM से MM कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचना चाहिए, है ना, तो आंसर तो ऑलरेडी गलत है। बट अगर इसको आप MM में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर से MM जाने के लिए आपको 10 से गुणा करना पड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.86 मल्टीप्लाई बाई 10 MM हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है, 0.02 MM है, तो ये देखिए इससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 43 आ जाएगा, और MM से MM कट गया तो आपका क्या बचा, 430 बचा। ठीक है ना, यानी ये जो दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, तो MM भी नहीं बचा और 430 आना चाहिए, तो ये भी नहीं बचा, तो मतलब ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखें, हाँ कि ए मीटर स्क्वायर में लेना, मतलब गुणा करना है सीधे, देखिए 0.03 मल्टीप्लाई बाई 51.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है मीटर, तो आप इसको क्या करें, 0.63 मीटर, यहाँ पे देखिए आंसर मीटर में लाना है, तो आप इसको मीटर में बदल लीजिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आपको 100 से भाग करना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर,
तो अगर आप यहाँ पे देखें 1 सेंटीमीटर में, तो 1/100 मीटर हो गया, यानी सेंटीमीटर से मीटर आने के लिए आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। तो जब आप 100 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे, अब इसका आपको सीधे गुणा कर लेना है। देखें सबसे पहले देखें 0.63 × 51.5, नीचे क्या है 100, मीटर का मीटर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, इसका लास्ट अंक देखें 5 × 3 = 15, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, टोटल कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। और नीचे 2 0 है, 2 अंक और खसक जाएगा, टोटल कितने होने चाहिए, 5। तो 1 2 3 4 5, मतलब जो आंसर दिया है वो सही है। अदरवाइज आप इसको क्या करिए, गुणा करके फिर 100 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये कुछ इतना आएगा, 0. है ना, क्या आ जाएगा, 1.545, इतना आएगा, इतना मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है 100, अब जब से 100 से भाग करेंगे तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, हो जाएगा 545.2, 2 अंक आ जाएगा, तो 1 अंक और 1 0 और बढ़ा लिया, तो इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसका इतना क्या होगा, है ना। तो का मतलब क्या होता है, गुणा, 6/7 का मतलब गुणा, ये हो गया 4/5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 6×24, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, 7×35, तो आपका आंसर कितना आ गया, 24/35। सॉरी मैंने गलत ले लिया है, ये 5/4 लेना था, × 5/4, ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे तो 6×5 = 30, 7×28, ठीक है ना। अब इसको देखें कितनी बार में जाएगा, 2 से कट रहा है तो याद आएगा 15, 2 से कटेगा याद आएगा 14। तो जब 15 को 14 से भाग करेंगे तो 14 × 1 = 14, बचेगा कितना, 1। तो यहाँ पे जो आता है उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और जो रिमाइंडर होता है, जो शेष होता है उसको ऊपर, जिसे भाग करते हैं वो नीचे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको बोला है न्यूनतम में बताइए, मैंने इसको बोला था कि आपको क्या करना है, 3 पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 0 वाले से आप भाग करिए, ठीक है ना। 3 0 वाले से भाग जब आप करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो आपका आंसर क्या बचा, 35/15, ठीक है। अब न्यूनतम में बोला है तो आप इसको और सॉल्व भी कर सकते थे, 5 से कट जाएगा तो 5 से 35, 5 × 10, यानी आपका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, जो सही आंसर होगा ये होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यह है कि इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। तो मैंने इसके लिए आपको एक तरीका बताया था कि इसमें से कौन बड़ा है, चेक करने के लिए इसका आप इधर गुणा करिए और इसका आप इधर गुणा करिए, गुणा करने के बाद जो बड़ा आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 37 × 28 अगर आप करेंगे, इसका इधर गुणा करें, यानी 37 × 28, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 × 28, ठीक है ना। तो 37 × ऐसे कर लीजिए, 10 + 10 + 8 मान लीजिए, ठीक है। तो 10 बार करेंगे तो 370, फिर 370, 8 बार करेंगे तो 8 × 56 = 6, 8 × 5 = 5, 8 × 3 = 24, 24×5 = 29, जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, आ जाएगा 6 × 7 = 14, 6×20 = 23, 8 × 2 = 2, 3×3 = 6, 2×8 = 2, 10, यानी ये आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 64 × 15 में कर लीजिए गुणा, तो देखिए 64 का जब 10 बार करेंगे तो 640 और 5 बार करेंगे तो 320, तो आंसर कितना आ जाएगा, 069। तो यानी कौन सा बड़ा हुआ, इधर वाला जब आपने गुणा किया तो आ गया 1036, और इधर गुणा किया तो कितना आ गया, 960। तो ये वाला बड़ा है, तो आपका आंसर ये पता चल गया कि ये बड़ा होगा, ठीक है। तो गुणा भी ऐसे करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोला है कि इसका स्थानीय मान बताइए, इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान इतना है, यानी अगर इसको आप पॉइंट में लिखना चाहें तो 2 0 है तो 2 अंक के पॉइंट लगेगा, तो 1 अंक हो गया और 1 2 अंक हो गया पॉइंट यहाँ पे, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, 0.04, ठीक है। ऐसे भी इसका आंसर क्या होता है, 2/10, इसका आंसर क्या होगा, 4/100। पॉइंट के बाद बस देखते हैं, पॉइंट के बाद 1 अंक पे है तो 1 0 वाला नीचे आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 वाला आएगा, यहाँ पे रहेगा तो 3 0 वाला आएगा, ठीक है। ये मैंने प्लेस वैल्यू में बताया हुआ है सब कुछ। बोला है इसको भिन्न में दर्शाते हैं, तो देखिए 0.0025 है। अब इस पॉइंट को हटाना है तो पॉइंट के बाद कितने हैं, 4 अंक हैं, तो 4 0 वाले से आपको करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है। तो ये हट जाएगा
तो सीधे आपका आंसर यही आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 25 एक कम 25, 25 चौका 100, ये 0 हो गया। ठीक है, वैकल्पिक वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दें, निम्न में से उचित क्रम पहचानिए, ठीक है ना, कौन सा सही दिया है। तो एक चीज ध्यान दें, पहले इन दोनों को आप चेक करिए क्या है, इन दोनों में सही है कि नहीं है। तो 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 आएगा, 4 का 3 में करेंगे 12 आएगा, मतलब अभी तो सही है कि ए वाला बड़ा आ रहा है तो इसीलिए ऐसे लगा है ना, अभी सही है। अब इन दोनों में से चेक करिए, अब 2 तो आपने देख लिया, अब इन दोनों में से देखेंगे तो इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, इसका यहाँ पे करेंगे क्या आएगा, 10, तो ए वाला छोटा आ गया जबकि इधर साइन लगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से इसको देखें, 3 3 9, इसका इधर गुणा करेंगे 8, अभी ये बड़ा है तो मतलब ये सही है, इसका इधर करेंगे तो 5 गुना 10 और 3 3 9, तो ये भी बड़ा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि भिन्नों इतना में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आपको सॉल्व वैसे ही करना है। जैसे मान लीजिए पहले इसको देखें आप, पहले इन दोनों में देखें कौन छोटा मिल रहा है, ठीक है ना, तो 14 का 7 में गुणा करेंगे तो 14 सते कितना होगा, 7 चौके 28 का 8, 14 सते 98 है ना, और इसका इसमें करेंगे तो 13 8 है, 13 चौके 62 और 13 चौके 62 है ना, नहीं नहीं 28 26 13 चौके 62, ठीक है, 13 चौके 52 52 52 कितना हो जाएगा, 104। तो इन दोनों में से कौन छोटा मिला, अभी ये छोटा मिला, ये बड़ा हो गया, तो ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये 100% हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या करिए, यहाँ पे 7/8 लिखा हुआ है ना, और 23/24 को आप चेक कर लीजिए, इन दोनों में से चेक कर लीजिए, तो 24 का जब 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28 का 8 लगाइए 7 दूना 14 15 16, 8 का गुणा करेंगे तो 8 3 24 4 2, 8 दूना 16 17 18, तो कौन छोटा आया, 7/8, मतलब 23/24 वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अभी 7/8 आपका बचा हुआ है, तो 7/8 को चेक करना है, और किसको चेक करना है, 37/38 को चेक करना है। तो देखिए जब 38 का 7 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 7/56 का 6, 8 लगा 5, 7 3 21 5 26, 8 का गुणा करेंगे तो 8 7 56 का 6, 8 लगा 5, 8 3 24 5 29, तो कौन छोटा आया, 7/8, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/8। तो इस तरह से चेक करना है इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन श्योर है एग्जाम में आने ही आने हैं। देखें अगला क्वेश्चन, सरल करें इतना, ठीक है ना, तो जब देखें इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 1 3/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 2 8/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर भाग बनाया, फिर इसके बाद देखें इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 3 15/4 होगा, और इसको लिखेंगे 28/105, देखें 3 से 3 कट गया, 2 से काटेंगे 4 बचा, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 4। अब यहाँ पे देखें 4 से कट रहा है, 4 7 28 और 15 से कट जाएगा, तो 15 6 90, 15 7 105, तो ए से कटेगा 7 से 7, तो बचा क्या, 4 भागे 1, और 1 का 4 में भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया, इसको देखें, इसमें बोला है कि इसका लसव क्या होगा, तो लसव वही होता है जो सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो देखें यहाँ पे इनका लसव पूछा है, तो 30 से देखें 60 डिवाइड हो जाएगा, 60 30 से डिवाइड होगा बट 36 से नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, अब 30 से देखें कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, और वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, ध्यान रखें, तो आप छोटे से आंसर को चेक करना चालू करेंगे। यहाँ पर देखें ए वाली संख्या 48 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, है ना, 48 से ये संख्या नहीं डिवाइड होगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा, और ये 240 की बात हुई है, तो 30 से 60 से तो डिवाइड हो रहा है, 36 गुना 72, ये 36 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब इसको आप देखें 720 को, 720 30 से भी डिवाइड होगा, 36 से भी डिवाइड होगा, 48 से भी होगा और 60 से भी होगा, तो यही आंसर होगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आपके पास जो जनरल तरीका है वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम होता है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें इसको आप जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो सीधे देखें किससे कट रहा है, सीधे 6 से कट रहा है, है ना, तो 6 ले सकते हैं, 2 से अगर आप करते हैं तो भी ठीक है, 2 से काटें यह आ जाएगा 18, 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे हो जाएगा 30,
फिर दो से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18 12 15, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 15 9 6 15, ठीक है। फिर 2 से काट लीजिए 15 9 3 15। फिर 3 से काटिए 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से काटिए तो आ जाएगा 5 1 1 5। अब 5 से काटेंगे तो सब 1 हो जाएगा। अब इन सबका आप गुणा कर लीजिए, 2 2 4 2 8 2 9 16, 3 8 48, ठीक है। और 48 3 48 × 3 करेंगे क्या मिल जाएगा, तो 50 3 150, 150 में से 6 घटा लीजिए तो एक कितना आ जाएगा 144, 144 का 5 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 720, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, 96 मीटर लंबी रस्सी को बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, जब एक टुकड़े की माप 6 मीटर है तो टुकड़ों की संख्या बताइए। तो 96 मीटर अगर रस्सी है और एक टुकड़ा 6 मीटर का है तो आपको सीधे 96 को 6 से भाग करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें समीकरण के हल होंगे तो अगर इसको आप हल नहीं कर पाते हैं तो आप सीधे x का वैल्यू रखिए, अगर यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा तो आंसर सही है। तो x रहे पे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 4, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है -5 + 4, तो 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5 5 - 5 कितना आ जाएगा, 0। मतलब 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो ये -1 वाला ऑटोमेटिक आंसर नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चले जाएंगे। अब 4 को चेक करना है या -4 को, ठीक है। तो अब हम मान लीजिए चेक करते हैं 4 को, तो 4 को अगर आप रखेंगे तो चेक करें, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर -5 × 4 + 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 × 20 + 4, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, तो 20 - 20 कितना आ गया, 0। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अभिव्यक्ति सही परिभाषा का चयन कीजिए। तो ये जो दिया हुआ है ये किस रूप में है ये पूछा है, एक पद, तो यहाँ पे तो एक पद की तो बात ही नहीं हुई है, सब में एक से ज़्यादा पद हैं, ठीक है। तो एक पद वाला होना ही नहीं है, एक पद अभिव्यक्ति एक पद सब में दिया हुआ है, मल्टी नॉमिनल अभिव्यक्ति, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मल्टी नॉमिनल अभिव्यक्ति, एक पद वाला होना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द्विपद ऐसे दिया हुआ है, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक पद वाले तो आंसर ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से बड़ी भिन्न बताइए। तो ऐसे ही मैंने जैसे बताया था उसी तो चेक करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप इन दोनों को देख रहे हैं, तो 8 × 32, 6 × 18, तो बड़ा निकालना है तो 4/6 चल रहा है क्योंकि ये तो छोटा हो गया, ये तो ऑप्शन चला गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास बचा 4/6 और बचा 4/9, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इसका इस यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 9 36, इसका इसमें करेंगे तो 24। तो अब बड़ा कौन आ रहा है, 4/6, तो मतलब ये भी आंसर चला गया। अच्छा, इन दोनों में से 4/6 तो जा ही चुका है ना, तो अब यहाँ पे मान लीजिए अब किसको चेक करना है, 4/6 ऑप्शन नहीं गया था, 3/8 गया था, तो ये आंसर गया, ए वाला अभी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 4/6 और 4/9 में कौन हो गया, 4/9 भी खत्म हो गया, तो अब आपके पास बचा 4/6, ठीक है, ये भी ऑप्शन चला गया, 4/6 और 5/12, तो 12 × 48 और 6 × 5 = 30, तो आपका आंसर कौन सा बचा, 4/6, क्योंकि ये छोटा हो गया ना, यहाँ पे छोटा आ रहा है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 4/6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सही भिन्न में बदलिए, कुछ नहीं है, 3 × 9, इसका इसमें गुणा करते हैं +1, 3 × 9 = 10/3, आपका आंसर हो जाएगा। बोला इसको जोड़िए, है ना, तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखिए 12 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, है ना। तो कुछ ऐसा करिए जो तीनों बराबर कर दें, यानी इन सबका लसा लीजिए, या तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो 8 × 3 = 24, इसमें 2 से गुणा कर दें तो 12 × 2 = 24, और इसमें 12 से गुणा कर दें तो 24। तो जब 12 से इधर भी गुणा करेंगे, 3 से इसमें करेंगे और इसमें 2 से करेंगे, तो नीचे तो देखिए 24 हो गया, ऊपर देखिए 12 × 1 = 12 प्लस 3 × 1 = 3 और 5 × 2 = 10, इसको जोड़ेंगे 12 × 3 = 15 15 × 10 = 25 25/24, 24 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो
तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि 24 से कम 24 है, 25 बटे 24 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इसको सरल कीजिए, है ना, तो कुछ नहीं है, इसको बस देखें, 33 बटे 14 मल्टीप्लाई 12 पंजे 60, 3 63, 63 बटे 5, ठीक है, और इसको 13 पचे 65, 66 बटे 5, बट इस भाग को अगर आप गुणा बनाएंगे तो 5 बटे 66 हो जाएगा, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से 5 कट गया, 33 गुना 66, तो ऊपर बचा 63 और नीचे बचा 28, है ना, 7 से कट रहा है, 7 नवा 63, 7 से 28, 4 से भाग करेंगे तो 4 गुना 8 यानी 2 सही 1/4, तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए बोला है, तो आप इसको क्या करिए, पहले चिन्ह कर लीजिए, तो 2 एकम 2 1 3/2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4 गुना 8 प्लस 1 यानी 9/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 4 बना दीजिए, 2 का यहाँ गुणा करिए, 2 का यहाँ करिए, तो कितना हो जाएगा, 6/4 9/4, तो अब 4 से 4 कट गया समझिए, अब 6 रेशियो 9 बचा, अब ये दोनों जो है 3 से कट रहा है, तो 3 दूना 6 3 3 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रेशियो 3, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, दशमलव में बदलिए, सिंपल सा बात है कि 0.625 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बोला था कि दशमलव को हटाना है तो उतने ही अंक से, उतने ही जीरो वाले से गुणा करिए जितने इधर अंक हो दशमलव के बाद, तो 4 अंक हैं तो 4 जीरो वाले से कर दिया भाग, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 25 से कट रहा है, 25 25 हम 625 होता है, 25 इसको काटेंगे तो 25 से 100 इतना आएगा, फिर 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, है ना, और इसको 400 को काटेंगे तो कितनी बार आएगा, 25 से 100 8 बार में आएगा 200 यानी 16 बार में आ जाएगा 400, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/16, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन, अनुचित भिन्न में बदलिए, इसको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करिए, 16 पचे 80 प्लस 3, तो 83/5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 पंजे 30 3 33, 6 पंजे 30 3 33/5, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, है ना, तो 3 3 के 9 3 3 के 9, भाई इसका इसमें गुणा करेंगे तो 99/5, अब 99/5 आ रहा है, तो अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप यहीं से देखें, 18 पचे 90 3 93, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 19 पचे 95 प्लस 4, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 95 और प्लस करेंगे तो 4 99/5, तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इतना मीटर इतना सेंटीमीटर, इसमें से इसको घटाएं, तो सिंपल सा बात है, घटाने के लिए कुछ नहीं करना है, 68 सेंटीमीटर में से 65 घटाएंगे तो 15 सेंटीमीटर बचेगा, तो 15 वाला ऑप्शन 2 है आपके पास, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 62 में से 35 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 27 बचेगा, 72 नहीं बचेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 9/26 को दशमलव में बदलिए, तो अब देखें 9/26 लिखा है, बस इसको आप भाग कर लीजिए, है ना, तो 9/26 को जब भाग करेंगे तो दशमलव में बदल जाएगा, तो देखिए भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, भाई पहले दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, ठीक है, 26 लगभग 3 बार जाएगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 3 3 सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी अगला वाला स्टेप जैसे ही निकालेंगे काम हो जाएगा, तो 90 को 26 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है, तो 6 3 18 का 8 1 और 3 2 6 1 7 बचा कितना, 12, ठीक है, पॉइंट लगा चुके हैं ना, फिर यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाएंगे तो देखिए 26 से कितनी बार करें, 3 चौके 12 यानी लगभग कितना आ जाएगा, 4 बार, 3 चौके 12, हाँ 4 बार आ रहा है, तो 3.34, तो 3.4 यहाँ पे है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहे मिश्रित भिन्न में बदलिए, तो कुछ नहीं करना है, 18 को 16 से भाग कर देना है, तो 18 को जब 16 से भाग करेंगे तो 16 एकम 16, बचा कितना, 2, तो 1 इधर आ जाएगा, 2 ऊपर आता है, 16 नीचे आ जाएगा, है ना, अब यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे 2 एकम 2 2 8 16, तो कितना आ जाएगा, 1 से 1/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए कुछ नहीं है, 6 2 8
9 में से 5 गया 4, 2 एक 3, बीच में ब्रैकेट है मतलब गुणा है, तो 8 चौके 32 है ना। अब 32 3 32 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 96, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला, निम्न में से उचित भिन्न प्रॉपर, तो प्रॉपर में मैंने बताया है कि ऊपर जो लिखा हो छोटा होना चाहिए, तो ये तो मिक्स्ड है, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसको जब पलटेगा ये 8 से 1/3 है ना, तो ये 3/1 होगा। ठीक है, तो 8 करके 24/1 हो जाएगा, ऊपर बड़ा हो जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ये ऑलरेडी ऊपर बड़ा दिया हुआ है, इन प्रॉपर है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव में मतलब 1 को 8 से भाग कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा, 1 को 8 से भाग कर दीजिए, देखो पॉइंट लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, फिर 10 एक कम 8 एक कम 8, बचा कितना 2, फिर 1 जीरो बढ़ाइए तो 8 दूना 16, बचा कितना 4, फिर 1 जीरो बढ़ाइए 8 पंजे 40, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.125। ठीक है, बोला है यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए, तो देखिए जब हर सेम है तो सीधे ऊपर का ऊपर जोड़ देते हैं, तो 2 1 3/3 काट देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, इसको गुणा करें मिश्र रूप में लिखें, इसको गुणा करना है कुछ नहीं करना है, 5 और इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 चौके 20 + 1 तो कितना आ गया 21/4। अब ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं नीचे का नीचे, इस चीज़ का ध्यान रखें, तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 105/4, उसके बाद बस इसको आप भाग कर लीजिए, तो 4 से 105 को जब 4 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 25 बार में तो आएगा 100 ना, 25 चौका 100 होता है, तो यानी 25 5 एक कम 5, 5 दूना 10, तो 25 से ही कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, अच्छा 25 चौका 100, 26 चौका 104 आएगा। ठीक है ना, या फिर ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे कर लीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा था, 4 से करेंगे तो 4 दूना 8 करिए सीधे, 2 आया तो 4 छक्के 24, ठीक है, तो कितना रहेगा 1, तो यानी 26 यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जब वैसे ले रहे थे तो 5 ऊपर आ जा रहा था, ज़्यादा हो जा रहा था, है ना, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 26 से 1/4 आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे प्रॉपर निकालिए, तो ये प्रॉपर है नहीं, ये प्रॉपर है नहीं क्योंकि ऊपर बड़ा है, ये प्रॉपर है नहीं ऊपर बड़ा है, यानी आपका प्रॉपर आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो भी क्वेश्चन है यहाँ देखें 15 16 ऐसे आए हुए क्वेश्चन हैं, तो सारे नए क्वेश्चन हैं और ऐसे ही आएंगे, इसको लिखा जा सकता है ना। तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट ऐसे ही काट सकते हैं आप। अब 3 से दोनों नहीं कटा है, 5 से कटा है, तो 5 से 15 5 चौके 20, तो आपका आंसर क्या आ गया 3/4। ठीक है, इसको सामान्य भिन्न में बदलने के लिए बोला है, तो 6 to 5 लिखा हुआ है, पॉइंट ऐसे है, तो आप ऐसे लिखिए पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने से आपको क्या करना होता है, उतने जीरो वाले से डिवाइड करना होता है। अब 25 से काट दीजिए इसको, तो 25 25 हम 625, 25 चौका 100, फिर 5 से कटेगा तो 5 5 25, 5 8 40, तो आपका आंसर क्या आ गया 5 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दशमलव में बदलिए, तो कुछ नहीं है, 0.72 है, 72 पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो वाले से भाग किया, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 2 से काटेंगे 50, 2 से फिर काटेंगे तो 18, ये कितना हो जाएगा 25, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 18/25। निम्न में से किसके बराबर है ना, तो देखें यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, √8 - √2 - √2, ये लिखा हुआ है, तो √8 को आप क्या लिखेंगे, √2 × 2 × 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 1√2 है, यहाँ पे 2√2 है, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 1√2। अब यहाँ पे देखें 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर रहेगा, तो 2√2 में से 1√2 माइनस होगा तो 1√2 बचेगा। ठीक है, और 1 2√2 की वैल्यू कितनी है 1.414, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में आपके, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसका LCM बताना है, LCM क्या होता है, जो इन सबसे कट जाए, तो देखिए 15 4 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा, 30 4 से नहीं कटेगा तो ये भी आंसर नहीं होगा, 60 देखे 4 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 60 हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 3 2 5, यहाँ पे कितने हैं 4 अंक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है और यहाँ पे 5 अंक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा,
अदरवाइज आप इसका गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन यही आएगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, गुणा नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। मिश्रित भिन्न को सरल में लिखिए, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है इसका। इसमें आपको क्या कर देना है, सीधे 5 को 6 से भाग कर दीजिए बस, तो 7 तो है ही है, इसको आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। मैंने वीडियो में बताया हुआ कॉन्सेप्ट वाले में, आप उसको देखिए जा करके। तो 5 को 6 से भाग करिए, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 6 से 42, 6 8 48 हुआ, ठीक है, 6 8 48, तो बचा कितना 2, फिर 0 लगाएंगे तो 6 3 18, फिर कितना बचा 2, तो 0.83 आएगा। तो 7 प्लस 0.83, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 7.83 आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है अगला क्वेश्चन देखें आप कि x बराबर इतना हो तो x का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना है, अब इसको देखिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो आपकी जो वैल्यू मिली माइनस प्लस माइनस यहाँ क्या मिली 5 मिल गई सॉल्व करके, ठीक ना, रूट के बाहर आ गया 5। तो अब एक बार अगर आप प्लस लेंगे, प्लस साइन, देखिए यहाँ पे माइनस 5 है, इन दोनों में से केवल प्लस लेना है, तो प्लस लीजिए, प्लस 5/2, तो माइनस 5 में प्लस 5 करेंगे तो 0/2, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। और अगर एक बार माइनस लेंगे तो माइनस 5, फिर माइनस 5 लेना है आपको, तो माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10/2 करेंगे तो माइनस 5, यानी आंसर आएगा 0, -5, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने फार्मूला पढ़ाया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए वाला जो फार्मूला है ये किसका है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का है, और ये तो कोई फार्मूला ही नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन, एक संख्या में 60 जोड़कर हम उसकी 5 गुना संख्या प्राप्त करते हैं, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, तो वह चाहें तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, भाई संख्या में 5 जोड़िए, कोई भी संख्या उसमें 5 जोड़िए और उसकी 5 गुना संख्या प्राप्त करिए। संख्या में 60 जोड़ते हैं तो उसकी 5 गुना प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए संख्या आपने, चलिए पहले ऐसे कर लेते हैं कि मान लेते हैं संख्या x है, संख्या में 60 जोड़ा तो उसकी 5 गुना संख्या पाया, यानी 5x पाया। ठीक है ना, इतनी समझ गए, संख्या में 60 जोड़ा तो क्या मिला हमें, बराबर क्या मिला, संख्या का 5 गुना यानी 5x। तो इधर हो गया 5x, इधर x है तो इधर माइनस का x हो जाएगा, अब 5 में से 1x गया तो बचा 4x, 4 इधर भाग में आ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 15 × 4 = 60, तो आंसर कितना रहेगा 15। आप ऐसे भी दे सकते हैं, अगर ऑप्शन चेक करते तो 15 में अगर 60 जोड़ते तो कितना मिलता 75, जो कि इस 15 का ये 5 गुना है ना, 15 × 5 = 75, तो मतलब यही ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी के लिए मैंने बताया था कैसे चेक करते हैं, देखिए 5/12 यहाँ पे क्या है 10/12 है, अच्छा 5/12 और 10/12 में कौन बड़ा है, 10/12, क्योंकि नीचे बराबर है तो ऊपर जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है, मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब आपके पास बचा गया 5/3 है और मान लीजिए 10/12 है, इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसका इधर गुणा कर लो, तो 12 × 5 = 60, इसका इधर गुणा कर लो 30, तो कौन बड़ा हुआ 60 वाला, यानी 5/3 बड़ा हो गया, यानी ये भी गलत हो गया, अब ये बड़ा हो गया, अब आपके पास बचा 5/3 और 15/18, तो 18 का 5 में गुणा करेंगे तो 18 × 5 = 90, 15 × 3 = 75, तो कौन सा बड़ा हुआ 90 वाला, यानी 5/3, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 5/3 बड़ा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखें आप अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी बराबर इतना है और ए इंटू बी बराबर इतना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप इसको ऑप्शन ऐसे ही चेक करना चाहें कि कैसे आएगा, फिलहाल मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा, तो आप कैसे करेंगे, जोड़ने पे 9 आए और गुणा करने पे 20 आए, तो हमारे पास एक संख्या मिल रही है 5 × 4 और 5 + 4, देखिए 5 × 4 = 9 और 5 × 4 = 20, तो यानी एक जगह पे 5 रखते बी की जगह पे 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, जोड़ेंगे कितना आएगा 41 आ जाएगा आंसर। बट अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, देखिए कैसे, ए प्लस बी बराबर क्या दिया है 9, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो मिल गया क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab की वैल्यू दिया है 20, यहाँ पे आप रख लीजिए 20। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी दूना 40 बराबर 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 81 माइनस 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन, गुणा करें, इसमें गुणा करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, टोटल कितने हो गए, एक दो तीन अंक होना चाहिए पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे चार अंक दिया है ये नहीं होगा, यहाँ पे तीन दिया है ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो दिया है ये नहीं होगा, यहाँ पे तीन दिया है ये हो सकता है। तो इन दोनों में चेक करना है। तो छः का छः में गुणा करेंगे 36, 36 का छः में करेंगे 216, और तीन अंक है तो तीन अंक पे लगा दो, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको कह रहा है भाग करना है। तो देखिए भाग कैसे करते हैं, 0.006 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे तीन अंक है और यहाँ पे एक अंक है, तो आप यहाँ पे दो जीरो अपने मन से बढ़ा लीजिए। अब दोनों सेम हो गया तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से काट सकते हैं। तो आपके पास क्या मिल गया, 4500, नीचे क्या मिला, 6, 6 से भाग कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 से 42 बचा कितना, 3 जीरो, 6 5 30 जीरो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 750 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसको भाग करिए, 33/8 कुछ नहीं करना है, 33 को 8 से भाग करिए, तो 8 चौके 32, एक बचा, फिर पॉइंट लगाया 0, फिर 8 गुना 8 एकम 8 हो जाएगा, बचा कितना 2, फिर 0, फिर 8 गुना 16 है ना, बचा कितना 4, फिर 8 5 40। ठीक है, 8 5 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 40 आएगा, तो कितना रहेगा, 4.125। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आखिरी क्वेश्चन होगा, उसके बाद में अगले पार्ट में इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे बोला है कि इसको हल करें, तो आप इसको सबसे पहले माइनस करें। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक है और यहाँ पे 3 अंक है, तो आप यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा लें। ठीक है, फिर माइनस करें, तो देखिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 पॉइंट यहाँ पे है, 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 0.0030 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे कितना बचा 1 जीरो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर कमी पड़ता है तो 1 जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फिर इसका गुणा करना है 14 में, है ना, तो इसको गुणा कर लीजिए 14 में, 14 में जब गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 14 का गुणा करेंगे कितना रहेगा, 14 गुना 28 8, 80 लगा 2, 14 से 98 200 का 0 कैरी आया 10, 14 एकम 14 10 24। ठीक है, 24 के 4 अंक लगा 2। ठीक है, फिर 24 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कितने अंक पे हैं, 4 अंक पे हैं, तो 4 अंक पे पॉइंट लगा दीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे 0.14 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0.14 होगा तो आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 0.14 है, तो यहाँ पे 4 अंक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 पे लगाना है, तो 1 2 3 4 है हमारे पास, 1 5 1 6, तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 अंक दिए हुए, तो 2 4 पे आंसर खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप फॉल्स सही कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट में रहेगा। ठीक है ना, पॉइंट में रहेगा तब आंसर आपका सही आएगा, ऐसे भी 0 1 4 का कोई मतलब नहीं होता है जब तक यहाँ पे आप पॉइंट नहीं लगाते। ठीक है, तो ये पहले ही दिख रहा है, मिस प्रिंटिंग है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, है ना, इसमें मैंने आपको देख रहे हैं आप 2016-17-18 के क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको मैंने सॉल्व कराया है, आप इसी को फॉलो करिए, क्योंकि पूरा पेपर इसी वाले बुक से बनने वाला है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चन लगभग अभी 70-80 क्वेश्चन और हो सकते हो, तो मैं उतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे फिर से डिस्कस करने वाला हूँ आगे का क्वेश्चन। तो आप इसको देखिए, आप इसको लाइक जरूर करिए और इसको थैंक्स का मैसेज करिए, है ना, थैंक्स का एक कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं और आगे वीडियो और तेज़ी से बताऊँ। बीच में कुछ गैपिंग हो गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होगा, मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, बस ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।